चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसी टीवी चैनल पे बहस इस चीज पे हुई कि रोजगार खत्म हो गए, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, इस पर वो या क्या गन्ने के रेट और फसलों के दाम पे कभी बहस हुई? हमारे पशुधन खत्म होता जा रहा, इस पर कभी बहस हुई? MSP गारंटी कानून देश को चाहिए, अब उस पर आवाज उठानी पड़ेगी। अब बाहर का दूध, थैली का दूध सस्ता और अपनी भैंस का दूध महंगा, तो ये पॉलिसी है कि पशुधन भी खत्म हो, ये खेती भी खत्म हो। 2000 रुपए देंगे, उसका प्रचार करेंगे, पूरे साल भर में 6000 रुपए देंगे, प्रचार बहुत करेंगे। आदरणीय सम्मानित मंच, आज ये चौधरी चरण सिंह जी का 120वां जन्मदिन पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। सोली में भी एक युवा संवाद, एक प्रोग्राम यहां पर रखा, खास करके युवाओं को जोड़ा जाए खेती से, जो हमारे ट्रेडिशनल खेल हैं उनसे, जो हमारे खाप पंचायत के लोग हैं, खापू से, हमारी क्या पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्थाओं से, क्योंकि युवा भटक के कहीं दूसरी जगह जा रहा धीरे धीरे, अगर इसको ना रोका गया तो ये अपनी खेती भी छोड़ देगा, उस जमीन को भी बेचेगा, क्योंकि जमीन के प्रति इतनी नफरत ये फैला भर देंगे कि इसमें तो पूरा घाटे का सौदा है, जमीन को बेच कर बिजनेस करेंगे। और ये ध्यान से सुन लेना, जिस आदमी ने भी अपनी जमीन बेची, महंगी जमीन को किसान बेच रहा है, महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन किसान खरीदते हैं। आप जोन सी जमीन को बेच दोगे, उसको दोबारा कोई भी व्यापार कर लेना आप खरीद नहीं पाओगे। जो नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था, उस एक्ट में किसी को पता भी नहीं चला, इस सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया। और आप देखोगे कि पूरी सड़क के नजदीक की जितनी जमीन थी सब व्यापारी ने खरीद ली, पूरी जमीन व्यापारी खरीद रहा, ये क्या साजिश है? एक खतरनाक साजिश सामने रची जा रही है। उनका टारगेट यही कि जमीन छीननी है, जो हमारे से आज से 40 और 50 60 साल पहले जमीन चली गई थी, वह जमीन हमको वापसी लेनी है 20 से 25 और 30 साल में। तो भाई जमीन बचानी तो आंदोलन सीख लो। भाव नहीं मिल रहा आपको, लेकिन जमीन आप रात को बेचोगे तो रात को बिक जाएगी, और उसमें पैदा होने वाली फसल दिन के चांदने में नहीं बिकती, लेकिन जमीन रात के अंधेरे में बिक रही है। SDM वहीं आ जाएगा बेमाना करने। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें, यूथ आए आंदोलन में जुड़े, अपनी बात रखें, वो दूसरी जगह जाने लगा, वो धार्मिक बात ज्यादा करने लगा, वापस में लड़ाई झगड़े की बात ज्यादा करता है, क्योंकि उसको टीवी पर वही दिखा जा रहा। टीवी पर बहस चल रही आजकल, चार आदमी बैठा दिए, पूरा का पूरा दिन बहस उसी में चल रही, सीरियल चल रहे, चार बहस एक दिन में करा देते हैं, और अब तो डायरेक्ट होने लगी हिंदू मुस्लिम पे, इस पे किसी भी, जो जिससे देश का कोई मतलब ही नहीं है। क्या कभी देश में बहस किसी टीवी चैनल पे बहस इस चीज पे हुई कि रोजगार खत्म हो गए, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, इस पर वो या क्या गन्ने के रेट और फसलों के दाम पे कभी बहस हुई? हमारे पशुधन खत्म होता जा रहा, इस पर कभी बहस हुई? लेकिन वाहियात उस पर बहस होगी, क्योंकि पूरे टीवी चैनल बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिए, जो चैनल हाउस थे, जो चैनलों के मालिक थे, उन पे प्रेशर बना के उनपे उनके शेयर खरीद लिए। अब सब कोई एंकर उसमें नहीं रहा, एक आध किसी को छोड़ दे दिखाने के लिए, सब खरीद लिया, सब उन्हीं की बात वे करेंगे। तो ये अपना बंद करो इनको, आज से 30 साल और 40 और 20 साल पहले भी हम रहते थे, क्या सीरियल और ये देख देख के आप अपने क्यों उसको बर्बाद कर रहे हो? अपने हमारे ट्रेडिशनल खेल थे उनको देखो, उनको खेल लो, ये सीरियल और वो देख रहे तो उनका पूरा का पूरा चैनलों का
पेट भर रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, एड मिल रहे हैं, उसको देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। जब उसको छोड़ दोगे, उनका बहिष्कार करना शुरू करो, अब जब ये आप आबाद हो सकते हो, क्या बहस होती है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपने बंद कर दिया, क्यों कर दिया? क्या कभी बहस हुई उस पर? क्या अधिकारियों से आप कहते हो कि जो ट्रैक्टर आप चला रहे हो पूरा ट्रैक्टर इलीगल है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर? क्या कितने लोग हैं कि नया ट्रैक्टर खरीद लोगे? लेकिन अगर किसान आंदोलन करेगा तो मुकदमों में उलझा देंगे उनको, सब बच्चों पर मुकदमे लगा रहे, एक एक पे मुकदमे लगा रहे, थाने कचहरी उसमें सब में घूमते फिर रहे, एक मुकदमा लग गया उसी में घूमते फिर रहे, झूठे सुच्चे मुकदमे लगा रहे सब। तो भाई अपने आंदोलन पे ध्यान रखो, अपने ट्रैक्टरों पे ध्यान रखो, अपने राचर छिंडू पे रंग पर ये करके रखो। एक का उसका डाटा निकालना था, नशे की बहुत प्रवृत्ति होगी, मतलब अगर सिसोली का ही डाटा निकाल लें तो 18 से 20 करोड़ रुपया एक साल में नशे पर जाता है। तो ये जो मामले चल रहे हैं ना, आपको उलझा लिया दूसरे कामों में, और ये युवा भी उलझ गया। लेकिन जो बच्चे हैं उनको समझाना पड़ेगा कि सरकार जो है ये आपकी जमीन छीनना चाहती है, ये बालकों की समझ में आएगी बात। धीरे धीरे इससे नफरत से जो होने लग रही, आप इसे छोड़कर जो सरकार धंधा बतावे, इनको जमीन तो बेचते नहीं, धंधा बता क्या करें, जमीन बेच के व्यापार नहीं, आप इसे तो छोड़ दो, यहीं से दम बंजर ओढ़ दो जैसे पहाड़ों में होगी पूरी जमीन, और अपने धंधे पर लगो दूसरे और काम पे, इसे बेच कर रोजगार नहीं। अगर हमारे बाप दादा इसे बेच देते तो आप क्या करते? ये तो आने वाली तीसरी पीढ़ी के लिए छोड़ दो, जो आपका पोता पड़पोता आएगा उसके लिए छोड़ दो, इसको तो और अपना काम करो। ये आंदोलन भी अपना सीखते रहो, क्योंकि आंदोलन से ही घबरावे, ये लंबी पारी खेलने के मूड में है। सरकार खतरनाक है, बोल नहीं रही बिल्कुल, और जो आदमी बोलता नहीं ना गुना हो वो पता नहीं दाम पर बैठा लगते ही दाम मारेगा, बोल नहीं रहे। लेकिन अपना भाई प्रैक्टिस ना छोड़ियो। 26 जनवरी भी आ रही, 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर मार्च होगा, कहाँ होगा वो बताएंगे। लेकिन जो युवा ट्रैक्टर लेकर चले, कल भी एक जगह हमने देखे 4 किलोमीटर की यात्रा, वो सागर वो सागर, भाई जोन सा सड़क पे को तिरछा चले वो अपने खेत में भी तिरछा ही चलता होगा, और भाई तिरछे तो खूट पटे हुए खेती नहीं होती। ये कर लो के ये नहीं के मेरा फोटो खींचे, मुझे चलना है लाइन में चलना सीख लो। पंजाब के संगठन है 10-10 हजार ट्रैक्टर उनके लाइन में चलते हैं बिल्कुल, तो यहां से भी लाइन में चलना सीख लो, आगे पीछे नहीं, भाग दौड़ नहीं। सरकार तो वैसे ही बैन कर रही इनको के इनको बंद कर दो जी, इसे एक्सीडेंट हो रेल से हो, धुंध में एक्सीडेंट हो रहे, मोटरसाइकिल से हो रहे, उसका कुछ नहीं, ट्रैक्टर को बंद करना चाह रही। ये प्लान है, साजिश, यानी कि साजिश देखते रहो। एमएसपी गारंटी कानून देश को चाहिए, अब उस पर आवाज उठानी पड़ेगी। यहां पे क्या है कि गन्ना किसान है कि जी यहां तो जरूरत है नहीं गेहूं की, कुछ गेहूं की नहीं दूसरी चीज की तो जरूरत है। जो 800 रुपए में चावल बिक रहा किसान का, नारियल 8 रुपए का बिक रहा, मसूर 16 रुपए किलो बिक्री, 1600 रुपए क्विंटल, जरूरत है एमएसपी गारंटी कानून की। नहीं तो जैसे टर्की देश में पूरा पशुधन खत्म हो गया ना, ऐसे ही यहां पे भी पशुधन खत्म होगा अगर नकली दूध बनना बंद नहीं होगा, दूध के ठीक रेट नहीं मिलेंगे,
अब बाहर का दूध थैली का दूध सस्ता और अपनी भैंस का दूध महंगा। तो ये पॉलिसी है कि पशुधन भी खत्म हो, ये खेती भी खत्म हो, ये पढ़ाई भी खत्म हो, सब स्कूल प्राइवेट उसमें जा रहे, स्कूल बंद होते जा रहे, प्राइवेट सस्ते बड़े अपना खुल रहे। एक मेडिकल में एडमिशन करवा लो को सारी जमीन बिक के जब उसको एक डॉक्टर बने। तो रोजगार धीरे धीरे खत्म होंगे। पूरी आस है हम केरल तमिलनाडु वहां पे गए थे, वहां पे रहे 8-9 दिन, नेपाल 12-13 दिन वहां पे रहे। तमिलनाडु से ही भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ था। नायडू स्वामी इसके पहले अध्यक्ष थे वहां के, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन ये बनाई थी। ये झंडे का डिजाइन भी वहां से ही बना था। वे हिंदी नहीं जानते लेकिन उनका बना हुआ झंडा और भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में चली। उनके एक जो फोटो है, जो पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने पूरा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश इन सब जगह भारतीय किसान यूनियन का एक बड़ा नाम उनका रहा। उनका एक स्टेचू यहां पर लगेगा। वो बहुत दिन से कह रहे हैं वहां पर भवन बने हुए हैं अपने भारतीय किसान यूनियन के, जिस तरह के ये भवन है उसी तरह के वहां पर भी बने हुए हैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, तेलंगाना की पॉलिसी वे अपने किसान को 10,000 रुपया एकड़ देते हैं, 5-6 बीघे पे 10,000 रुपये साल भर में देते हैं। यहाँ पे पूरी सरकार अगर किसी पे 40 बीघे हैं उसे भी 2,000 रुपये ऐसे भिकमंगे मना रहे जैसे उसका ये जो नोट है जब भारत सरकार दे तो डॉलर बन जाता है उसका, मतलब 2,000 रुपये देंगे उसका प्रचार करेंगे पूरे साल भर में, 6,000 रुपये देंगे प्रचार बहुत करेंगे। वे 10,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं, पॉलिसी उनकी लागू होनी चाहिए। बिजली फ्री है, 18 घंटे बिजली किसान को देते हैं, फ्री बिजली है, फ्री बिजली बहुत स्टेट में है। तो बहुत से सवाल है, अपने आंदोलन को ठीक रखो, आज का भी जो संवाद हुआ ठीक रहा। ये हमको गांव में आज संवाद हुआ लेकिन महिलाएं आज नहीं थी, तो एक पूरा एक पोर्च रखा करो और महिलाओं को भी बताओ कहीं पे भी प्रोग्राम हो, यूथ का हो तो महिलाएं जरूर आवे, ये बच्चे जरूर आवे, इनके खेल। और ये तो हर 17 तारीख में 2 प्रोग्राम तो या 4 प्रोग्राम तो सिसोली में जरूर हो जाते हैं, चौ साहब के उस पे और कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहे, तो उसमें इस तरह के प्रोग्राम होते रहे। और किसी भी स्कूल को बुलाओ तो 8-10 स्कूल बुला लो, उनको सम्मानित करो, उनका पूरा प्रोग्राम देखो, उनके भी हौसले बढ़ते हैं। तो ये प्रोग्राम आप चलाते रहें सब जगह, यूथ के प्रोग्राम, महिलाओं के प्रोग्राम चलें, ज्यादा प्रोग्राम हैं होते रहेंगे। और यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ पे किसान भवन पे इस पर चलते रहे। अभी कुर्सी भी यहाँ पे आएगी, हरी हरी कुर्सी भी आएगी, ये भी कार्यालय की आएगी, अब बैठ कर प्रोग्राम होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने की, इसका भी कुछ खर्चा कम हो जाएगा। यहाँ पे भी इस पे भी ऊपर कमरे बनेंगे कुछ रहने के, क्योंकि प्रोग्राम 5-5-6-6 दिन के ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे हम चलेंगे, कुछ कमरे और बनवाओगे यहाँ पे। और एक पंचायत यहाँ पे मुजफ्फरनगर में खतौली में 7 तारीख की होगी, 7 जनवरी की, क्योंकि कपिलवाला भी एक मामला रह रहा है, गन्ने के रेट का सवाल है, बिजली का इशू है, भुगतान है, तो वह खतौली में रखी हो पंचायत 7 जनवरी को, उसकी भी अपनी तैयारी वहां पे करनी है सब लोगों को। अब हम कल से फिर 4-5 दिन के लिए बाहर हरियाणा और पंजाब में रहेंगे, और उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, फिर और केरल फिर रहेंगे, 7-8 तारीख को फिर चले जाएंगे इनसे ही।
और 8 के बाद में फिर 22-23 तारीख में आओगे फिर वापसी जनवरी में, इलाहाबाद सब उसी में ही हो जाएगा। यहाँ अपना प्रोग्राम करते रहो, 16-17-18 का प्रोग्राम आपका इलाहाबाद का है, शांति से ट्रेनों में शांति से जाएं। जो यूथ है जिसने कार्ड गिर लिया उसकी जिम्मेदारी है कि वो 20 आदमी को कंट्रोल करें, एक वॉलंटियर, और या वॉलंटियर ही उछल कूद कर रहा है फिर दूसरा क्या करेगा, मतलब कार्ड तो ले लिया, ये ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। पहले ट्रेनिंग कैंप लगते थे पूरे, अब जो ट्रेनिंग से बाहर निकलेगा उसे ही पद भी देंगे फिर। पहले ट्रेनिंग आनी जरूर पड़ेगी, आरएसएस वाले सारे ट्रेनिंग सुधार हैं, और घर में बढ़ जाए सारा सीबीआई का काम यही कर रहे हैं, इन्हें भी घर से दूर रखो, ये घर में आवेंगे भाई जी करके रोटी खाओगे चाय पियेंगे और फिर घर में सारी बात पूछ लेंगे, भाई कहाँ रहे, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, सारी कागज में लिख लें, और फिर उन्हें ही बता दें कि एक रिश्तेदार उनका नौकरी करे वहां पे, उस पर प्रेशर बना दो, या तो शामिल हो जाएगा नहीं तो करेंगे सारे भर्ती कर लिए बीजेपी में। ये खतरनाक तो ये है सबसे, इनसे सीख भी लो, ये 55 आदमी के भी प्रोग्राम करें, आज उसके वहां बैठे कल उनके वहां बैठे, इनसे सीख लो सारे जो उनसे ये काम कर रहे हैं ना, हम तो इनसे ज्यादा कर सके काम, इनसे सीखो। इन्होंने सारे यूथ तोड़ लिए और अपनी ऐसी बात बता रहे हैं कि ट्रेनिंग 7 दिन की 28 दिन की, अपनी भी 7-8 और भाई 30 दिन की करनी पड़ेगी, जो घर से 30 दिन रह जाएगा वो मार नहीं खाने का, इनके 28 दिन रहेगा ऐसे राग गाने गावे इनके, फिर हटता ही नहीं। एक बार अगर 28 दिन इनके कैंप में चला गया हटने का ही नहीं, तो अपने भी कैंप लगाने पड़ेंगे। मारे वाले तो 3 घंटे बैठ कर फिर कह लगे जी अच्छा जी हम चलेंगे, ये कैंप लगाओगे जैसे यहाँ पे भी 8-8 दिन के कैंप चलेंगे, कहीं पे भी चले 8 दिन के कैंप वहीं अपना चलते हैं, जैसे साउथ में रहे तो 7-7-8-8 दिन के चले, अपना बर्तन भी साफ कर रहे, खाना भी अपने आप बनवाना, मतलब पूरा ट्रेंड कर देते हैं। तो ऐसे ही अपने भी चल रहे, अपने एक कैंप चलेंगे, अपनी बात बताओगे सब, और आप लोग भाई आए सबका धन्यवाद है। और ये देखिए इन्हें जोड़ना पड़ेगा, उनका जो काम है ना अब 2029 में जिसकी वोट पड़ेगी, मतलब उनके काम देखो, जिनकी उम्र आज 10 साल है उन बच्चों पे उनका काम चल रहा कि 2029 में ये वोट है ये हमको वोट देंगे। हमारा भी चल रहा भाई कंपटीशन, हमारा भी इन्हीं पे काम चलेगा, इन्हें पकड़ लो छोटे छोटे को, इनको पकड़ लो कि थारे दुश्मन ये हैं, इन पे काम करना पड़ेगा नहीं तो ये देश तो गया, ये तो निपटा दिया इन्होंने। और आपका भाई धन्यवाद, आज हम गए वहां एक चौधरी साहब का एक प्रोग्राम हो रहा था 23 तारीख, उसमें लिख रहा है कि 23 तारीख में किसान का प्रोग्राम है, चौधरी चरण सिंह जी का कहीं नाम नहीं सरकारी प्रोग्राम में, एक मूर्ति जरूर रख रखी थी, पुष्प हम भी चढ़ा गए ऊपर, अपना फोटो उनके लग रहे दूसरे वालों के, चौधरी चरण सिंह जी का कहीं हो नहीं ना, वे नाम ले रहे, अरे लिखा जा भाई किसका प्रोग्राम है, जिसका बंडा है जिसका टेंट तो उसी का ठीक लगते हैं। हाँ तो भाई धन्यवाद है सभी, 20 करोड़ रुपया जा रहा भाई सिसोली से, और ये हर गांव की स्थिति है, अगर वो अपने घर में लगा होगा, लिपाई पुताई करेगा, ट्रैक्टर ठीक लेगा, अपने राशन छिंडे ठीक करेगा, रंग रोगन करेगा, फरश करेगा, अपने घर में बेड लेगा, कोई फ्रिज लेगा, कुछ लेगा तो घर में काम आवेगा, और नशे में जा रहे तो सीधा कंपनी को जा रहा, अपना खान पीन का ध्यान रखो। वे सब देंगे, उनका जहां जहां नहीं दे रहे अपना काम बंद,
वे सारे चीज देंगे। उससे पीडी से बात हुई थी, उन्होंने कहता जी मुझे लिख कर दे दो, मैं वहां भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ ये गन्ने का क्षेत्र है और गन्ने के क्षेत्र में को ट्रक जो है गन्ने का वो इसका माफ है, उसमें को कितने उसमें को हाइट में को गन्ने का ट्रक निकल सके वो उसकी मपाई है उसकी। तो पीडी भी और अधिकारी भी ये सुन ले के जहां को अंडर पास है उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि जिसमें को ट्रक गन्ने का ट्रक निकल जा। वही उनसे बात भी हुई थी, नहीं होगा तो काम बंद रहेगा। एक कट का भी बाजू कट भी नुके जी अभी कागजों में नहीं, मगर हम पूरे देश में कट करवाते भी नहीं और हमारा कट कागजों में नहीं, मगर इसे बना लियो हम कट कारना जाने कैसे कट लिखेगा, यहां बाजू कट लगेगा और इसमें कट के ऊपर भी तीन नाम लिखे जाएंगे वो भी बता दिया उन्हें, इंगे से भी आगा एक लिखा जाएगा देश की राजधानी सीधा, किसानों की राजधानी सिसोली ऐसे, इधर लिखा जाएगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ऐसे और किसानों की राजधानी ऐसे, मगर ये बोर्ड पर लिखा जाएगा ध्यान से सुन लेना। हाँ भाजू में कट नहीं लगने का, क्या लगा जी अभी डिजाइन में नहीं आया, मगर आ जाएगा भाजू वाले अभी देखेगा। तो भाई धन्यवाद सबका, और भाई धन्यवाद उनका भी जिनकी कुर्सी यहाँ पे थी, उनका भी एक बार धन्यवाद सभी कर दो। हाँ धन्यवाद, उसने गुप्त दान दिया, ये गुप्त दान नुका था जी मेरा नाम तो आवे ना, वो बीजेपी का ही है कोई ना कोई है, वो बीजेपी वाले वहां भंडारा चला रहे थे उसमें गाजीपुर बॉर्डर पे, वो तीन दिन लोग को उन्होंने चलाया, उसका फिर पता चल गया, उसने वो फिर हटवा, उसने फिर कहीं दूसरी जगह चलवाया और वहां से फिर भिजवा कई दिन। तो इनकी विचारधारा किसी की हो सके, लेकिन लोग ठीक हैं, वे वोट आट अपना कहां दे रहे उसकी आस्था में क्या पता, कोई पंप चला रहा क्या चला रहा, क्या दाब दे रखी उन्होंने उसकी, हाँ उस पर ज्यादा ना करो। लो जी धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आपके बताए मार्ग पर हम अवश्य चलेंगे। जो हमारे युवा साथी हैं